आपकी कॉल इंडिया में ट्रांसफर हो रही है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में संपर्क करने के लिए आपका धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे। हाँ सर, कह रहे हैं सर हमको ATM। सो है गाइस, अगर आपका खाता इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में है और दोस्तों आप लोग अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के इस कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं तो गाइस कैसे करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में पूरा फुल प्रोसेस बताऊंगा। और दोस्तों नंबर क्या और आपको इस कॉल कैसे करना है सारा कुछ इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप वॉच करना पड़ेगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे और दोस्तों आप लोग अपने IPPB कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर से आप लोग इजिली बात कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो दोस्तों बिना देरी के चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे आप लोग अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना जो है आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपका इसमें खाता है या फिर दोस्तों आपको ATM कार्ड नहीं मिल रहा है या फिर दोस्तों आपका ATM कार्ड अप्लाई नहीं हो पा रहा है या फिर दोस्तों आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी इशू है तो गाइस आप लोग वहां पर जो है अपना जो है सॉल्व करा सकते हैं अपना प्रॉब्लम। तो दोस्तों चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि कैसे आप लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर से बात करेंगे। और दोस्तों अगर आपका कोई दोस्त है उनका भी यही प्रॉब्लम है, वो भी कस्टमर केयर से बात करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिएगा। और दोस्तों आप लोगों को यहां पर क्या करना है, ये वीडियो लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप वॉच करना है। और दोस्तों जो जो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि उसमें आपको कुछ उधर से जवाब आएगा कि आपको क्या क्लिक करना है, जैसे कि यहां पर आपको इस तरीके से कीबोर्ड में दिखता है गाइस यहां पर 9 की तो मतलब 9 बटन आपको दिखते हैं, तो इसमें गाइस आपको क्लिक करना पड़ेगा कि गाइस इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों वो प्रॉब्लम उधर से बताएगा तो आपको क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद दोस्तों आपका जो कॉल रहेगा वो कस्टमर केयर के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको एकदम ध्यान से सुनना है और गाइस आपको तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर जहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा फुल प्रोसेस बताता हूं। पर दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कस्टमर केयर से बात करने के लिए, सबसे पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल में दोस्तों क्रोम ब्राउजर या फिर गूगल को ओपन करना पड़ेगा। चलिए हम यहां पर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर सर्च वाले आइकन पर जाना, सर्च वाले आइकन पर जाने के बाद दोस्तों आपको सर्च करना पड़ेगा IPPB। जैसे कि आप लोग IPPB सर्च करेंगे इस तरीके से तो दोस्तों यहां पर इस तरीके से कुछ लोडिंग लेगा, उसके बाद दोस्तों आपको कुछ टाइम यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर गाइस मेरा लोडिंग ले रहा है। अब दोस्तों इस तरीके से जब आप लोग IPPB सर्च करेंगे तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का दोस्तों इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, या फिर दोस्तों आपको डायरेक्टली इस तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट नहीं आएगा तो आपको दोस्तों यहाँ पर IPPB इस तरीके से सर्च करेंगे जब आप लोग, तो गाइस आपको यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे वेबसाइट आएंगे तो आप इसमें से कोई भी मतलब यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो गाइस हम क्या करेंगे, इस तरीके से IPPB सर्च करेंगे। आप जैसे सर्च करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट, या फिर डायरेक्टली वेबसाइट खोलेगा तब भी गाइस कोई दिक्कत नहीं, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप लोग इस पर क्लिक करेंगे ऊपर सबसे, तो गाइस आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्टैक्ट अस का, तो गाइस जैसे आप लोग इस तरीके से कुछ ऐड वगैरह आएगा तो आपको ऐड को स्किप कर देना है और यहाँ पर गाइस आपको कुछ कॉन्टैक्ट अस इस तरीके से दिखेगा और यहाँ पर गाइस आपको इस तरीके से कुछ नंबर दिखेंगे 155299। तो दोस्तों ये नंबर आपको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने मोबाइल के डायलर में आना है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरीके से 155 इस तरीके से और यहाँ पर 299 इस तरीके से आपको यहाँ पर मतलब डायल करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरीके से इस नंबर पे कॉल कर देना है और दोस्तों जो जो यहाँ पर बोलेगा मैं आपको ध्यान से सुनाऊंगा और दोस्तों आपको ध्यान से सुनना है और क्या क्या आपको क्लिक करना है और आपको किस चीज़ का प्रॉब्लम है आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुन के तभी आप लोग क्लिक करिएगा, तभी आप लोग का हो पाएगा। अब यहाँ पर गाइस मैं अपना जो है इस तरीके से मोबाइल स्पीकर पर लूँगा तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका स्वागत है। हिंदी के लिए एक दबाएं, फॉर इंग्लिश प्रेस टू, मराठी साथी तीना दबा, कन्नड़ कागु नालु कोटी, तेलुगु कोसम ले तो नोन कंडी, बांग्ला जोन्यो चॉइस तेपोन। तो यहाँ पर बता रहा है कि आप किस भाषा में सुनना चाहते हैं, मतलब उनका आवाज, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। आपको भी हिंदी दो दबाओ, उड़िया पाई थीनी दो। तमे अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड ब्लॉक करवा माटे एक दबावो, तमे अपना खाता मा अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन माटे बे दबावो, तमे अपना डोर स्टेप बैंकिंग रिक्वेस्ट अपॉइंटमेंट माटे त्रण दबावो, तमे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक अकाउंट क्वेरीज माटे चार दबावो, तमे सर्विसेज अने नमस्कार इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक मा तमारो स्वागत छे, उधरे तमारी केवी रीते सहायता करेने को। हेलो, सांभळो छो? कह रहा सर हमारा जो है अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी पता करना था। सर आपड़ा तमे गुजराती मा कम्फर्टेबल छो आपड़ा? सर सांभळो छो? हेलो सर, गुजराती में कंफर्टेबल छो आपड़ा? सर आपका आवाज सही नहीं आ रहा है। सर गुजराती में कंफर्टेबल आप?
सुन पा रहे हैं? हाँ सर सुन पा रहे हैं, मतलब आप हिंदी बोलेंगे तो थोड़ा और मुझे सही से ठीक से समझ में आएगा। सर आपकी कॉल हिंदी में ट्रांसफर हो रही है, लाइन पर बने रहिए सर जी। ठीक है, आपकी कॉल हिंदी में ट्रांसफर हो रही है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में संपर्क करने के लिए आपका धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे। हाँ सर कह रहे हैं सर। सो इस तरीके से आप लोग अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत कोई भी इशू वगैरह नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, एंड दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ।